बाइनरी लैंग्वेज, व्हाट इज बाइनरी लैंग्वेज, क्या है बाइनरी भाषा, बताओ आपके हिसाब से बाइनरी भाषा क्या होगी? जो कंप्यूटर समझता है, ऐसा बराबर आपके हिसाब से बिल्कुल सही, जो कंप्यूटर समझता है। अब कंप्यूटर तो मशीन है, वो क्या समझता है? जीरो और वन, ठीक है आप कह रहे हो जीरो और वन, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा, राइट, क्या समझना पड़ेगा, पहले समझना हमको क्या समझना है, हमें समझना है डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा का मतलब मैंने कल बता दिया, याद है ना? ओके, डेटा मतलब आपका इनपुट है, इनपुट इनपुट यानी कोई भी रॉ मटेरियल, याद है ना? अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या है, उसको किस तरीके से हम रखते हैं सामने, दिखाते हैं मतलब। वो प्रेजेंटेशन हुआ, रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन, नॉट टू शो द थिंग हाउ, राइट, द थिंग हियर मींस रिप्रेजेंट। अब हमने रिप्रेजेंटेटिव वर्ड सुना है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसका मतलब क्या होता है, एक बंदा किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग समवन एल्स, रिप्रेजेंटिंग समवन एल्स, इसका मतलब वो नहीं आया उसकी जगह उसने कुछ और किसी और को भेज दिया, ऐसा बोल सकते हैं, यानी फेस बदल गया लेकिन वैल्यू वैल्यू सेम है ना। अब वो बंदा जो नहीं आया लेकिन फिर दूसरे को भेजा, तो बोलेंगे हाँ ठीक है वो नहीं आया तो ये उसकी जगह ये भी चलेगा, यानी फेस बदल गया वैल्यू वही है, ऐसा ही कहा ना मैंने। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव, राइट, अब एक और समझते हैं। तो जैसे रिप्रेजेंटेटिव मैंने क्या बताया, फेस बदल गया, अब इसका एक एग्जांपल और समझो, समझना आप मार्केट गए, समझना आप मार्केट में जाते हो, राइट, वेंडर को क्या बोलते हो, मुझे भैया 1 किलो टमाटर चाहिए, ठीक है, तो कोई गलत है नहीं ना। अब अगर उसको आप एक बार बोलो कि भैया मुझे 1 ग्राम 1000 ग्राम टमाटर चाहिए, तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा ना, क्यों ऐसा, क्योंकि उसको 1 किलो का पता है, नहीं उसको ये भी पता है कि 1000 ग्राम ही होता है, लेकिन कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो 1 किलो यूज करते हैं, कम्युनिकेशन हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या करते हैं, एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं कि भाई किलो की ही बात करते हैं, ग्राम में तो बात नहीं करते हैं, ठीक है, कोई बोलेगा मुझे 5 किलो चाहिए, नहीं होगा तो भी आधा किलो कहेंगे, है ना, किलो ही कहेंगे ना, बोले 5 किलो, बोले 5000 ग्राम चाहिए, तो बोलेगा भाई इतने टमाटर ही नहीं मेरे पास, है ना, सर यूनिट वाइज होता है, अगर आधा किलो वो बोल सकते 500 ग्राम को, पर जब लेकिन हम इतना बड़ा अमाउंट बोलेंगे 5000 ग्राम, तो वो हमारा एक शॉर्ट वो बने हुए हैं, राइट, तो हमने आपस में एक दिमाग में कैसे बना के रखा है कि हाँ ये, लेकिन मैं बात ऐसे नहीं कर रहा हूँ, बात ये बताने की कर रहा हूँ कि यहाँ मैंने 5 kg लिखा है और यहाँ 5000 ग्राम लिखा है, दो चीजें हैं, राइट, दिखने में अलग अलग है ना, लेकिन क्या वैल्यू अलग है, तो अभी मैंने ऊपर क्या लिखा, ऊपर क्या लिखा है पढ़ो, फेस बदल गया, वैल्यू सेम है, यानी ये दिखने में बदल गया ना, दिखने में बहुत, तो वैल्यू सेम है, राइट, तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी चीज जिसका वैल्यू सेम है लेकिन दिखने में अलग है। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर मैं हिंदी में लिखूं, राइट, पढ़ो ये हिंदी लिखा पढ़ो, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखूंगा, स्टडी, मतलब क्या हुआ, वैल्यू सेम है पर फेस बदल गया, है ना, तो ये क्या हुआ, ये जो मैं कहना चाह रहा था हिंदी में उसको इंग्लिश में कहा, तो रिप्रेजेंटेशन हुआ ना, वर्ड का अनुवाद हुआ ना टेक्निकली, तो सेम तरह से डेटा रिप्रेजेंटेशन यहाँ भी है, कैसे समझना आप, अब ये समझना कि हमारे जो नंबर सिस्टम है, हमारा नंबर सिस्टम क्या है, नेचुरल, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल, है ना, डेसिमल है ना, ओके, हमारे डेसिमल नंबर में, राइट, हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट, अनगिनत है ना, हैं कितने नंबर्स हैं और कितने सिंबल्स हैं, नौ, 10 सिंबल्स हैं,
ये क्या है? जीरो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ये जीरो से नाइन क्या है? जीरो से नाइन ये सिंबल्स है। ये सिंबल्स है। कैसे सिंबल्स है? इनको तो नंबर बोल रहे हो अभी आप। मतलब इनके बाद हर एक नंबर है। इन सिंबल का ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है किसी चीज को, है ना? राइट। हम बोलेंगे ये सिंबल है लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी नंबर को, ठीक है? तो ये है तो नंबर लेकिन ये सिंबल भी है। अब इसके आगे नंबरों की तो इन्फिनिटी है, नंबर तो इनफाइनाइट है, नंबर तो कितने भी हो सकते हैं, है ना? इसके आगे फिर हम इसका मिक्सर करेंगे, 10, 11, 12, तो इनफाइनाइट का साइन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसे ही अब इसकी वैल्यू है कि नहीं, कुछ ना कुछ, है ना? तो ऐसे ही बाइनरी है। क्या है? बाइनरी है। अब जीरो हमारे डेसिमल में है तो बाइनरी में क्या होता है? वहाँ भी जीरो होता है। हमारे डेसिमल में वन है तो बाइनरी में वन होता है। तो हम हमारे पास टू है, राइट? तो टू तो सिंबल एक ही है। अब यहाँ पे बाइनरी में सिंबल कितने हैं? सिर्फ दो। नंबर्स कितने हैं? बाइनरी में क्या है? जीरो और वन। जीरो और वन ही होता है। हाँ, नंबर्स कितने हैं फिर? नंबर्स यहाँ भी इनफाइनाइट है। अब यहाँ जीरो से नाइन है हमारे पास, इसके बाद टेन होता है कि नहीं? 11, 12, 100, 1000 होता है कि नहीं? 0, 1, 1, 0, 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 0
लिखेंगे, ये है टू, 10 का मतलब 2, तो क्या हुआ, वैल्यू वही है, फेस बदल गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 एंड सो ऑन। सर और कोई नंबर आ ही नहीं रहा है? ही नहीं ना, 0 और 1 ही है ना, इसीलिए तो बाइनरी ऐसा है, तभी तो बाइनरी है। तो ये क्या है, दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस, ये सब वही इक्वल वैल्यू है। फर्क क्या है लेकिन, फर्क क्या है एक, लेकिन दो अलग अलग भाषाएं हैं, दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, राइट। एक डेसिमल है, एक बाइनरी है, सिर्फ दो नंबर का वो भी, राइट। तो अब ये तो जब यहाँ नंबर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट तो यहाँ भी होंगे, है ना। तो अब हम क्या सीखेंगे, हम ये समझेंगे आज किस तरह से कोई भी डेसिमल नंबर, कोई भी डेसिमल नंबर बाइनरी में कैसे लिखा जाता है। अभी मैंने 0 से खाली इतना ही लिखा है ना, तो नंबरों की लिमिट है क्या? नहीं है ना, इतना ही। अब मैं आपको पूछूं कि भाई नंबर है हमारे पास 75, ठीक है, उसका इक्वल बाइनरी कितना होगा? 75 को कैसे लिखोगे? इसके लिए सीखेंगे हम, क्या करेंगे आज, हम सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, समझे, डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन समझेंगे। लेकिन पहले ये सब बताओ कि तुम ये डेटा जो मैंने बताया, रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझ में आया? रिप्रेजेंटेशन समझ आया ना, क्लियरली तरह, राइट। कि मतलब अगर हमारे यहाँ 2, 3, 4, 5 है तो इधर बाइनरी में भी कुछ है, लिखने का तरीका है, पर उनके से सिर्फ 2 सिंबल्स होता है हमारे, 9 सिंबल्स, हमारे 10 है, 10 सिंबल्स, 10 है, इसीलिए हम इसको डेका बोलते हैं या डेसिमल बोलते हैं। तो इसके बेस में ये राउंड ब्रैकेट लगा के मैं नीचे लिखूंगा, बेस में लिखूंगा 1 and 0, और इसके बेस में लिखूंगा ब्रैकेट लगा के ओनली 2, क्योंकि ये 2 सिंबल्स हैं और यहाँ 10 सिंबल्स हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो नंबर है इसमें कैसे होगा, राइट। इसके लिए हम क्या सीखेंगे, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन।